मेहरावालिए माँ, पहरावालिए माँ, मेहरावालिए माँ, जोतावालिए माँ। ये है मेरा स्कूल। आज जी पुरवैया के खास कार्यक्रम इट्स माय स्कूल में हम आए हैं भीखा संती कुंजी मध्य विद्यालय गीतापुर। हम यहाँ दिन की शुरुआत पहले असेंबली से करते हैं और इसी दिन की शुरुआत में हम असेंबली, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो भी खास जानकारी है उसे लेने की कोशिश करेंगे। हम इसके लिए पहले सबसे पहले चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों से सुनेंगे स्कूल की व्यवस्था बच्चों की जुबानी। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद प्रेयर होता है, उसके बाद संविधान को हम अपना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसमें मेरा दिमाग फ्री हो जाता है। फिर क्लास जाते हैं तो अपनी टीचर से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। पिंकी कुमारी, आप बताइए कि आपको असेंबली से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? हम सबसे पहले भगवान के नाम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद प्रेयर करते हैं, फिर एक्सरसाइज सब होता है, उसके बाद हम अपने क्लासरूम जाते हैं, टीचर्स से बात करते हैं, हम पढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के छात्र से कि क्या है यहाँ की खास व्यवस्था, क्या है असेंबली की व्यवस्था। हम क्लास के अंदर की व्यवस्था के भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने छात्र से जान लेते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या वो इस व्यवस्था से संतुष्ट है, क्या कुछ यहाँ उद्देश्य है असेंबली में जो अभी खड़े हैं, क्या कुछ उद्देश्य हम जानते हैं। कुमार बताइए कि आप असेंबली में खड़े हैं, क्या आपको असेंबली में क्या सीखने को मिल रहा है, आप असेंबली में क्यों खड़े हैं? हमें सबसे पहले तो यहाँ शिष्टाचार सा सीख रहे हैं, उसके बाद किस तरह से प्रार्थना की जाती है, किस तरह से खड़े होने जाते हैं और किस तरह से यहाँ पे वार्म अप होते हैं, इस तरह से हमें ज्ञान मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, आपने छात्रों से अभी जानकारी ली असेंबली के बारे में, अब हम आगे चलते हैं यहाँ के शिक्षकों से जानकारी लेंगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रभु अल्लाह ईश्वर का नाम लेते हैं। विद्यालय में भी जब हमारा प्रथम कार्यक्रम होता है तो चेतना सत्र से होता है, उसमें प्रभु का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। उसके बाद हमारा चेतना सत्र का कार्यक्रम का जो दूसरा पहलू है वह संविधान वाचन का है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस बात का जिक्र किया है उस बात का पढ़ाई हम लोग शुरुआती दौर में ही, प्रथम चरण में ही, चेतना सत्र में ही बच्चों के बीच करवाते हैं, जो हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान को क्यों बनाया गया है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। खास कार्यक्रम में अभी हमने बात की स्पॉट टीचर, यहाँ के असेंबली टीचर से असेंबली के बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ के भूदाता के बारे में, जिन्होंने यह जमीन दी, क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या सोच रही होगी इसके पीछे, क्या मकसद रहा होगा उनका, चलिए हम जानकारी लेते हैं। ने अपनी कीमती भूमि यहाँ दान दी है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्राइवेट विद्यालय, उस समय अगल बगल में विद्यालय था नहीं, हमारे गांव गरुमा में बहुत सारे लोग अनपढ़ थे और अनपढ़ के चलते हमारे यहाँ अंधविश्वास घर किए हुए थे हर किसी के दिमाग में। हमने सोचा कि यदि हम ये जमीन दान दे देते हैं, विद्यालय बन जाता है, तो हमारे गांव के, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो देश के भविष्य है, उनका उज्ज्वल भविष्य होगा और वे शिक्षित होंगे, शिक्षित होकर के ये देश की सेवा करेंगे, इसी उद्देश्य से मैंने किया। जी पुरवैया के खास कार्यक्रम इट्स माय स्कूल के तहत अब तक आपने देखा कि असेंबली के बारे में जान चुके हैं, वहाँ के स्पॉट टीचर से, यहाँ के भूदाताओं से हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम चलेंगे क्लास की ओर और जानेंगे वहाँ की व्यवस्था के बारे में। क्या पढ़ा रहे हैं सर भैया? अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसमें संसाधन भौतिक है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्या भूगोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर बताएंगे। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके पढ़ने से पृथ्वी की पूरी जानकारी मिलती है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है और पर्यावरण में क्या है नहीं है, उन तमाम चीजों की जानकारी भूगोल के पढ़ने से। अभी आपने देखा कि ज्योग्राफी की पढ़ाई चल रही है और सर ने बताया कि ज्योग्राफी क्या है। अब हम यहाँ के बच्चों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं। भूगोल का सबसे पहले ये है, भूमि मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, पृथ्वी भूमि मतलब पृथ्वी, ये भूगोल और ये भूगोल, ये किस तरह से गोल है, इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर कितने खनिज के बारे में, उसके बाद फिर पत्तियाँ के बारे में, विभिन्न नदियाँ के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, हम इसकी भूगोल दे सकते हैं, जो कि हमारे सर भी पढ़ा रहे हैं भूगोल। प्राकृतिक
प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन का भीखा साथी को जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अब तक हमने यहाँ की असेंबली के बारे में जानकारी ली, यहाँ के शिक्षकों से जानकारी ली, क्लास में वर्ग संचालन के समय हमने वहाँ के छात्र और छात्राओं से जानकारी ली। अब हम बहरहाल म्यूजिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं, जानकारी लेते हैं यहाँ के छात्र छात्राओं से कि क्या है म्यूजिक का उद्देश्य। संगीत एक विषय है जो जिसे हमें कला और इसे बजाने के लिए भी स्कूल सिखाया जाता है और कुछ गाने लगते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान सभी तबके के लोग एक साथ मिलकर एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक जैसा माहौल बना हुआ रहता है। आपने जानकारी ली कि यहाँ के म्यूजिक में यहाँ के बच्चों की रुचि है और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था अब तक आपने देखी है, यह जो संचालन चल रहा है, यहाँ का जो प्रबंधन कर रहे हैं हमारे इस स्कूल के प्रधानाध्यापक, उनसे हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपने स्वपरिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से पहले हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरा जो देन है, मेरा कुछ नहीं है, यहाँ के विद्यालय परिवार जो है वही सब मिलकर के सब विद्यालय चलाते हैं, मैं उसमें सहयोग करता हूँ, कुछ नहीं है। अगर मेरे बच्चे के लिए अगर और कुछ व्यवस्था हो जाए तो और अपनी उत्तम बात है। इस माई स्कूल के लिए पूजा, जी मीडिया, मधेपुरा।